Hello everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to solve one of the sets which came in the decision making section of ZAT 2023. Okay? This section, decision making, is unique to ZAT exam, not to be found in any other, and really, really a very fun section, to be very honest. So that is why I thought, chalo is bar thoda sa change of track. Let's try to attempt a decision making ka section instead of a good old VRC passage like always. Okay? So chalo, without any delay, let's dive in, see what it is about. Okay? तो चलो शुरुआत करते हैं. अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चन है ना, खास करके इस टाइप के, दे रीड अ लिटिल बिट लाइक एन आरसी पैसेज. द ओनली डिफरेंस इज कि आपको अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस और कॉमन लॉजिक भी लगाकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. ऑलराइट, तो अभी शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि स्टोरी क्या आपके सामने रखी गई है. सो इट इज गिवन दैट देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डू गुड फॉर द सोसाइटी, सोशल वर्कर्स है, फिलान्थ्रोपिस्ट है, लेड बाय दिस गाय निया बुद्धिस्ट. ठीक है जी. तो इन्होंने एक नेचुरल फ्लड्स के दौरान एक ग्रुप सेटअप किया टू प्रोवाइड फ्री फूड टू द नीडी पीपल. एंड व्हाट इज देयर कोर मोटो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो ह्यूमन शुड बी हंग्री. अच्छा ठीक है. बाय द वे, लिटिल बिट मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, इंस्टेड ऑफ जंपिंग डायरेक्टली इनटू द सेट, लेट्स डिस्कस, लेट्स गिव अ ब्रीफ आइडिया कि एक डिसीजन मेकिंग का जब आप सेट उठाते हो तो क्या करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, एक बहुत ही सिंपल सा मोटो मैं रखता हूँ, लिटरली keep it simple. ठीक है. Some people I have seen get into the habit or get into that tendency of overthinking each and every case. ऐसा हो गया तो वैसा होगा, फिर then maybe और तीन चार if then else वाले scenarios cook up कर लेते हैं. It's good to apply your own critical thinking, your own critical reasoning, but एक limit तक ही करो. Okay. Secondly, ethics is paramount. Okay. जो भी आप suggest करते हो course of action according to the problem that is given at the end of the DM set, हमेशा याद रखो कोई भी गलती से अनएथिकल एक्शन रेकमेंड नहीं करना. एक्सेल आर आई, दिस इंस्टीट्यूट इज एक्चुअली वेरी वेरी वेल नोन फॉर स्टैंडिंग सुपर स्ट्रांगली बाय एथिक्स. तो आपने गलती से कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसे ऑप्शन को टच कर दिया, इट विल ब्लो अप इन योर फेस. ओके. नेक्स्ट कम्स की प्रैक्टिकल यूटिलिटी इज ऑल्सो लुक्ड एट. अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला भी आप सेट जैसे देख सकते हो, वी आर डिस्कसिंग की फिलंथ्रोपिस्ट का एक ग्रुप है, वो एक सोशल सेंटर चला रहे हैं विच इज प्रोवाइडिंग फूड टू द नीडी. तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर अगर समझो कोर्स ऑफ एक्शन पूछी गई है कि अच्छा अच्छा सो एंड सो प्रॉब्लम इज देयर बिफोर द गाइस एंड व्हाट शुड दे डू और व्हाट शुड दे नॉट डू. तो इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ एथिक्स, तो उसके बाद में व्हाट यू शुड टेक केयर ऑफ इज प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस. ठीक है. फैंसी या बहुत ही अनलाइकली सिनेरियोज वाले जोन में आपको नहीं खेलना है. Your job is to figure out कि भाई ऐसे स्टेप हम क्या ले सकते हैं जिससे 80% ऑफ द प्रॉब्लम इज टेकन केयर ऑफ. 80% इज अ गुड मेजर. ओके. मे बी द स्टेप दैट यू आर सजेस्टिंग, मे बी द स्टेप दैट इज द ऑफिशियल आंसर इज लीविंग आउट दैट 20% वाला सिनेरियो कि हाँ यार 10-20 तक का तो चांस है कि यार ये तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ऐसी स्टेप से. बट लुक एट द अदर साइड, 80% अगर चांसेस सॉल्व हो जाए तो प्लीज गो अहेड विद इट. ऑफ कोर्स अज्यूमिंग दैट एथिक्स वाला इश्यू नहीं है, इट इज नथिंग अनएथिकल. ओके. बस ये दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है और आपके आंसर अपने आप निकलने चालू हो जाएंगे. लास्टली, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेंटर जिसका नाम यहाँ पे हमें दिया गया है, लंबा चौड़ा नाम है, विन बॉन व्हाटएवर, इनका कोर एथोस, कोर मोटो क्या है, इसको ध्यान में हमेशा आपको रखना है. ठीक है. प्लीज पार्डन माई राइटिंग, टूडे सीम्स टू बी अ डॉक्टर हैंड राइटिंग डे फॉर माई हैंड एंड फॉर माई ब्रेन, यू नो इट चेंजेस एवरी डे. पता नहीं, ये मेरे भी कंट्रोल की बात. एनीवे, कोर मोटो को कभी नहीं छोड़ना है आपको कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं ये क्यों है वहां. ठीक है. अगर कोई स्टेप ऑफ एक्शन आपको दिखता है विच इज बिट्रेइंग द कोर मोटो, द कोर एथोस, कोर मैसेज, सेंट्रल आइडिया जैसे हम ढूंढते हैं ना कोई भी आरसी पैसेज में, बस 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 वही चीज आपको यहाँ पे लगाना है, सेंट्रल मोटो पता करो और उससे ज्यादा भटक कर आपको नहीं जाना है कहीं पे भी. इफ यू सी कि भाई ये स्टेप तो कुछ अपोजिट ही जा रही है कोर मोटो से, जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज द कोर मोटो एट हैंड, नो ह्यूमन शुड बी हंग्री. तो अगर कोई स्टेप आगे चल के हमें ऐसा क्वेश्चन अगर दिखेगा जहाँ पे इट टर्न्स आउट कि समबडी हैज कम टू दिस सेंटर बट डिड नॉट गेट फूड, इज लिविंग यू नो विद एन एम्प्टी स्टमक और मे बी आधा अधूरी भूख हुई है उसकी खत्म, पूरा पूरा पेट नहीं भरा है ठीक से, तो दैट इज रॉन्ग. कॉन्शियसली इंटेंशनली ऐसा कोई एक्शन आपका होना नहीं चाहिए विच विल लीड टू दैट सिनेरियो. जाने अनजाने में हो जाए दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट प्लीज कीप दिस इन माइंड. ओके. सो आपका ये जो क्या कहेंगे ना हायरार्की ऑफ
taking into account what should be done or what should not be done. I think this is a fair and simple, easy to handle tips, जिसको हम बोल सकते हैं. I actually hate the word tips, but ठीक है, for the lack of a better word, let's go along with this. ठीक है? So if you want, you can jot it down, pause the video, but now, for now, I'll move to the question. ठीक है? चलो. Also, you can use the timestamp that I'll be putting in the description box to go to the question directly, solve on your end, and then maybe come back to this point to check the explanation. चलो ठीक, चलते हैं. तो एक फूड सेंटर शुरू किया है जिसका इरादा है, जिसका मोटो है, भाई हर इंसान को हमें खाना खिलाना है. जो भी इंसान हमारे सेंटर पे आएगा, पेट भर के ही उसको वापस भेजेंगे. ओके, ऑल राइट. चलो, फिर COVID-19 आया, उसके बाद में दिस गाइज यू नो रिक्रिस्टेंडेड, गेव इट सम प्रॉपर नेम. पलक्कड़ जैसे सिटी में, जैसे टाउन में उन्होंने शुरू किया है. इट स्टार्टेड बिकमिंग पॉपुलर, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड एंजॉइंग द फ्री मील्स दैट वर गिवन. ठीक है? और कोई बहुत फैंसी प्लेस नहीं है, इट इज ऑफरिंग सम बेसिक स्टफ लाइक इडली, उपमा, कर्ड राइस एंड ऑल दैट. ठीक है जी, सो फार सो गुड. बहुत अच्छी बात है, 6 women आर एम्प्लॉयड बाई दिस ऑर्गेनाइजेशन टू कुक द मील. फेयर इनफ, फेयर इनफ. नाउ अब आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट इशू का. नाउ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट इज पुट बिफोर अस इज कि भाई नंबर ऑफ डाइनर्स, नंबर ऑफ विजिटर्स टू दैट फूड सेंटर इज गोइंग अप. और ऑफ कोर्स जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, जस्ट एज यू स्केल या ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आपको के सामने आना ही. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक हैज बीन गिवन टू अस, लेट्स टेक अ लुक एट दैट. फर्स्ट, क्योंकि 1/3 जनता जो है ये ना पैसे दे देते, दे डोनेट सम काइंड ऑफ अमाउंट और सम काइंड ऑफ मनी और सम काइंड ऑफ यूटिलिटी, प्रैक्टिकल यूटिलिटीज लाइक फूड ग्रेन्स दे दिया किसी ने, कोई फ्रूट्स वेजिटेबल दे जा रहा है, और सम पीपल आर गिविंग प्लेन ओल्ड मनी. वाइल 2/3 ऑफ द डाइनर्स दे ऑफ कोर्स नीड द चैरिटी दैट इज गोइंग ऑन, ये नहीं दे पाते कुछ, दे कम देयर, दे गेट देयर फ्री फूड एट द लीव. तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ऐसे सिचुएशन में आप एक अजम्पशन बना सकते हो मन में दैट हाँ जी, 2/3 ऑफ द विजिटर्स टू दैट सेंटर पॉसिबली दे आर सो पुअर कि फॉर सच अ बेसिक नेसेसिटी एज फूड, दीज गाइज आर कमिंग टू दैट प्लेस ईटिंग एंड अनफॉर्चुनेटली कैनॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग एंड हैव टू लीव जस्ट लाइक दैट. ओके, नाउ आई नो दैट देर आर फ्री लोडर्स इन एवरी सोसाइटी, बट अ जॉब इज नॉट टू डिटरमाइन कि ये 2/3 में से ऐसे नालायक लोग कितने हैं जिनकी है हैसियत कुछ करने की बट करते नहीं है, आते फ्री में और निकल जाते हैं. तो आ जॉब इज नॉट टू गो इन दैट ग्रे जोन जिसमें एनी वे सच फ्री लोडर्स आर गोइंग टू बी इन माइनॉरिटी. मेजोरिटी ऑफ द जनता जो ये 2/3 ऑफ डाइनर्स है जिनको फ्री फूड मिल रहा है, जो फ्री फूड ही ले पाते हैं, दीज गाइज मस्ट बी जेन्युइनली पुअर. वेल द अदर 1/3 आर वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कुछ ना कुछ डोनेट कर जाते हैं. एंड द क्वांटम ऑफ द डोनेशन काफी वेराइटी हमें दी है. सम पीपल आर डोनेटिंग राइस, सम पीपल इज गिविंग रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी, 500 जस्ट आफ्टर कंज्यूमिंग 2 इडलीज, विच इज मैसिव. ओके, सम पीपल इंक्वायर कि हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे वॉलंटियर बन सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है, तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, कीपिंग दिस स्टोरी इन माइंड कि हाँ यार बहुत अच्छे से चल रहा है तो सेंटर, दिस सीम्स टू बी अ सक्सेस. तो द लीडर नियाबुद्दीन ही नाउ थिंक्स कि यार चलो काम को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लेट्स एक्सपांड टू नियर बाय प्लेसेस. अच्छा ठीक है, लेकिन अब आती है दुविधा की शुरुआत. क्या है दुविधा, लेट्स हाईलाइट दोस्त कि भाई हमारा जो ओरिजिनल सेंटर है, होम ग्राउंड जो है, हम वहां पे ही तो कितना टाइट चल रहे हैं. ठीक है, 75% जो भी हमारे पास में फंड है ये तो फूड इंग्रेडिएंट्स खरीदने में, फूड बनाने में ही चले जाता है. ठीक है, एंड वॉट एवर जो भी सरप्लस है, लाइक 25%, 24% जो भी रहेगा, दैट गोज इन टू पेइंग सैलरीज, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. तो वॉट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस वेरी वेरी क्रूशल लास्ट लाइन, इनके पास में कोई भी मेजर फ्लोट नहीं है, कोई भी मेजर क्या बोलेंगे ना, वो एक प्रॉफिट चेस्ट नहीं है कोई डेवलप हुआ. जितनी आमदनी आ रही है, जितने पैसे मिल रहे हैं थ्रू डोनेशन, थ्रू वॉट एवर ऑपरेशन दिस गाइस हैव, बेयरली एनीथिंग रिमेन्स. एवरीथिंग गेट्स स्पेंट ऑन द बेसिक नेसेसिटीज. एम्प्लॉयज भी उतनी ही जरूरी है, उनको सैलरी देना होगा तभी तो काम करेंगे, और 75% पैसा तो यार फूड आइटम्स खरीदने में और कुकिंग में ही चले जा रहा है. ऑल राइट, ऑल राइट. तो कहीं ना कहीं वॉट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे, द सेंटर इज अ सक्सेस, दैट इज गुड, दैट इज अ गिवन थिंग. कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया है कि दैट द सेंटर इज स्ट्रगलिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस कि बाप रे आज तो 4 लोग खड़े हो गए सेंटर के सामने बट देने के लिए खाना ही नहीं है. थैंकफुली दैट इज नॉट हैपनिंग. सेकेंडली जो भी ऑपरेशन है, यू नो जितना आ रहा है दैट इज लाइक गेटिंग स्पेंड, सो नो सरप्लस प्रॉफिट आप ऐसा पकड़ सकते हो. जो भी बच रहा होगा निजलिजिबल होगा,
फॉर नाउ यू कैन सी दैट इट इज ऑपरेटिंग एज अ नो प्रॉफिट नो लॉस गेम। ऑल राइट, अब ऐसे केस में जो भी ये नियाबुद्दीन का प्लान है डेफिनेटली ये नहीं फ्रूशन में आ सकता आसानी से, क्योंकि आपका जब ओरिजिनल सेंटर ही इतना कट टू कट ऑपरेट हो रहा है, तो हाउ इज नियाबुद्दीन गोइंग टू क्रिएट अनदर सेंटर ऑन द बैक ऑफ एनी सरप्लस फंड्स हियर? नॉट पॉसिबल। अगर उसे दूसरे सेंटर्स और खोलने हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में दूसरे सिटीज में, तो ही विल हैव टू अरेंज सेपरेट फंड्स कंप्लीटली। द ओरिजिनल सेंटर इन पलक्कड़ कैन नॉट स्पॉन्सर कैन नॉट फंड द ऑपरेशंस इन अदर सिटी। ये बात क्लियर हो जाती है। तो विद दैट इन माइंड लेट्स गो टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। बड़ी आसान बड़ी सीधे सरल क्वेश्चंस है, हार्डली एनी रॉकेट साइंस ओवर हियर। अगर आपने टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल कर चुके हैं तो जस्ट चेक योर आंसर्स, वेरी लाइकली दैट यू विल गेट ऑल द थ्री करेक्ट। देखते हैं, चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज दैट नियाबुद्दीन हैज टू ओवरकम टू सस्टेन हिज ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो सस्टेनेबिलिटी की बात आई है, एंड ही इज रनिंग अ सॉर्ट ऑफ चैरिटेबल ऑपरेशन ना, कि जहां पे लोग आकर फ्री में खाना खा के जा सकते हैं, जिसे पैसा देना है जितना देना है वो दे के चले जाओ भैया। ओके, तो ऐसे ही केस में लेट्स ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज ट्रिवियल फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उस इंपॉर्टेंट में से जो मोस्ट है उसको हम फिगर आउट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, ऑप्शन ए गेटिंग इनफ फाइनेंसेस एंड डोनेशन, डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि डोनेशंस के दम पे ही तो काम चालू है सब कुछ। कहीं पर ऐसा दिया नहीं है हमें दैट नियाबुद्दीन इज पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, ही इज अ करोड़पति एंड ही डज नॉट नीड डोनेशन, ऐसी बात नहीं। ओके, एंड द सेंटर ऑल्सो डज नॉट हैव अ सरप्लस वॉर चेस्ट, या फिर वॉर चेस्ट इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज, डज नॉट हैव अ सरप्लस मैसिव अमाउंट ऑफ मनी विथ इटसेल्फ। जो भी बन रहा है वो इमीडिएटली खर्चा होते हुए दिख रहा है, ठीक है। बी पेइंग सैलरीज टू एम्प्लॉयज, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट यार, उनको सैलरी नहीं देंगे तो ये लोग तो छोड़कर चले जाएंगे, एंड इफ दिस वुमेन इफ दिस वॉलंटियर्स दे लीव तो फिर काम कैसे होगा। डेफिनेटली अट्रैक्टिंग इनफ डाइनर्स, नो दिस इज वेरी ट्रिकी। ओके, कहीं पर भी दिया नहीं है ऐसा डैट नियाबुद्दीन सेंटर तो खोल के बैठा है बट जनता ही नहीं आ रही भाई, रोज का रोज इतना सारा फूड कुक होता है और वेस्ट चला जाता है, ऐसा नहीं है। सो अट्रैक्टिंग इनफ डाइनर, उसने फॉर प्रॉफिट बिजनेस नहीं खोला है भाई, कोई कैफे नहीं खोल के बैठा है वो कि चलो भाई ज्यादा से ज्यादा जनता को अट्रैक्ट करो, एब्सोल्युटली नॉट। जितना फुटफॉल अभी हो रहा है दैट इज लाइक फेयरली ऑप्टिमम फेयरली सफिशिएंट इनफ, कीपिंग इन माइंड द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट दे हैव। ठीक है, डी हैविंग इनफ कुक्स एंड एम्प्लॉयज, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डेफिनेटली। जब आपके पास सफिशियंट स्टाफ रहेगा सफिशियंट एम्प्लॉयज रहेंगे तभी तो आप काम कर पाओगे ठीक से। तो दिस इज ओके ओके दिस इज इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट से दैट दिस इज समथिंग ट्रिवियल, बट आते हैं इसके ऊपर बात। ऑप्शन ई प्रिपेयरिंग ओनली लोकल डिशेस फॉर डाइनर, ये कैसा लग्जरी वाली बात होगी भाई, दिस इज वेरी ट्रिवियल। वी आर रनिंग अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा पैसा रहेगा जो डिश बन पाएगी हम वही बनाएंगे। अगर पैसा कल जाके कल बढ़ जाता है तो ठीक है, एक दो शायद लग्जूरियस एक दो शायद सरप्लस डिशेस कुछ बन जाए, बट फिलहाल के लिए काफी बेसिक स्टफ इज गोइंग ऑन, ये बातें नहीं करेंगे आप। तो बचता क्या है हमारे हाथ में, वी हैव ए बी एंड डी, तो हाउ डू वी रैंक देम विद रिस्पेक्ट टू प्रायोरिटीज, क्योंकि क्वेश्चन तो क्लियर कट आपको बोल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बट इफ यू पे क्लोज अटेंशन तो बी गेट सब्स्यूम्ड इन ए। कैसे, बी क्या बोलता है भाई सैलरी दो एम्प्लॉयज, ठीक है देंगे ना, हमारे नियत में कोई दाग थोड़ी है। अगर ए एंश्योर हो जाता है दैट यू हैव इनफ फाइनेंसेस यू हैव रियली गुड सॉलिड अमाउंट ऑफ डोनेशन, तो बी का चिंता एनी वे गेट्स टेकन केयर ऑफ अनलेस यू आर एन अनएथिकल पर्सन, फिर तो बात अलग है। बट फिर यू नो ऑप्शन ए आप एंश्योर कर लो, बी ऑटोमेटिकली गेट्स टेकन केयर ऑफ, सो आउट ऑफ ए एंड बी ए गेट्स हायर प्रायोरिटी बी गेट्स सब्स्यूम्ड इन। कमिंग टू डी हैविंग इनफ कुक्स एंड एम्प्लॉइज, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज इंपॉर्टेंट बट कीप इन माइंड पैराग्राफ में केस स्टडी में कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं दिया है दैट नियाबुद्दीन और इज ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग सम काइंड ऑफ सिचुएशन लाइक यू नो एम्प्लॉयज प्रोटेस्टिंग, या फिर एट्रिशन इज गोइंग ऑन। एट्रिशन इज वेन पीपल ऑन बोर्ड विथ यू एज एम्प्लॉयज एज वॉलंटियर बट दे स्टार्ट लिविंग वेरी इमीडिएटली एंड मैसिव नंबर्स, इट्स लाइक ब्लीडिंग है बहुत भयानक। तो वैसा सिचुएशन है क्या? बिल्कुल नहीं, कहीं पर भी एम्प्लॉय रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर नॉट मेंशन इन द सिचुएशन। इट इज पॉसिबल दैट द एम्प्लॉयज आर फेयरली ओके हैप्पी वर्किंग विथ वॉट एवर दे आर बींग पेड। नियाबुद्दीन तो एक्सपांशन की सोच रहा है भाई, कि भाई चलो मेरा एक सेंटर बहुत अच्छे से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन डी ऑल्सो फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंस वाला लेवल। राइट नाउ नियाबुद्दीन का सबसे बड़ा कंसर्न है भाई पैसे।
इज कंसर्न अबाउट द कॉज दैट गोज इन टू रनिंग द सेंटर. पैसे, एट द एंड पैसे का ही खेल है सब कुछ. तो यस, व्हाट व्हाट इज द विनर ओवर हियर? द विनर हैज टू बी ऑप्शन ए. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी एंड अप फिगरिंग आउट व्हाट द करेक्ट आंसर इज. ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. काफी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था ये. आई हाईली डाउट वेदर एनी वन वुड हैव एनी प्रॉब्लम फिगरिंग आउट द राइट आंसर हियर. नॉनदलेस, द कॉमेंट सेक्शन इज ओपन टू यू. आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू यू एएसएपी. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. तब तक इफ यू हैव नॉट हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, प्लीज 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 डू इट एएसएपी. एक्सरसाइज योर सुपर पावर एज अ प्यूअर. ओके, चलो लंबा क्वेश्चन है, क्या दिया है देखते हैं. नियामुद्दीन रियलाइज दैट ऑन सम डेज फूड वॉज वेस्टेड. यार जितना बनाया है उस हिसाब से तो जनता ही नहीं आई, और कुछ दिन फूड कम गिर जाता है, डाइनर्स गो बैक. ये तो बड़ी गलत बात हो गई, क्योंकि उनका तो सबसे बड़ा कोर है तो कि नो ह्यूमन शुड बी हंग्री, बट जो जनता सेंटर पे आ रही है बेचारे उसको फूड नहीं दिया जा पा रहा. तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. तो टू सॉल्व दैट ही आस्क्ड अ कंसल्टेंट फ्रेंड ऑन हाउ टू रिड्यूस वेस्टेज. कि भाई हेल्प अस फिगर आउट कि कम से कम हो ऐसे इंसिडेंसेस, फूड गेटिंग वेस्टेड या पीपल गोइंग अवे हंग्री. तो कंसल्टेंट क्या क्या चीजें सजेस्ट करता है. पहला देखते हैं, ये लॉन्च अ मोबाइल ऐप सो दैट डाइनर्स कैन प्री इन्फॉर्म देयर अराइवल टू द सेंटर. ओह माय गॉड, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद में लिटरली LOL LMAO दिमाग में आया. टिपिकल बैंगलोर टेक ब्रो टाइप सेंटेंस है. कुछ भी प्रॉब्लम देखा सोल्यूशन इनको मोबाइल ऐप ही दिखता है. भाई डूड, सिचुएशन तो देखो क्या है हाथ में. पीपल आर कमिंग देयर फॉर फूड. ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिनके अंदर क्षमता नहीं है पैसे दे पाने की. आप इनसे मोबाइल ऐप चलवाओगे कि भाई आने के पहले बता दे ये फ्री फूड सेंटर है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, थर्ड वेव कॉफी का आउटलेट नहीं है. भाई थर्ड वेव कॉफी में है ये फीचर, पहले से 5 6 10 कप खरीद के रख लो, इतना इतना डिस्काउंट मिलेगा. हॉरिबल 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 ऑप्शन. वन तो बिल्कुल नहीं करना जिंदगी, ठीक है. इट्स नॉट अनएथिकल बट इट इज सो प्रैक्टिकली यूजलेस, कैन बी थ्रोन आउट इमीडिएटली. ओके नेक्स्ट, आज डाइनर्स हु एंजॉय फ्री मील टू डिस्ट्रीब्यूट एक्सेस फूड टू द हंग्री पीपल ऑन स्ट्रीट्स. वेरी वेरी रीजनेबल, एकदम बढ़िया, ठीक है. इसके अंदर कोई अनएथिकल बातें नहीं है, किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती चल नहीं रही है. यू आर सिंपली रिक्वेस्टिंग पीपल कि अच्छा ठीक है, सेंटर में जो भी एक्सेस फूड आ चुका है या फिर आपके प्लेट पे अगर एक्सेस फूड इज रिमेनिंग तो प्लीज गो आउट एंड डोनेट इट टू द नीडी पीपल. वेरी रीजनेबल, वेरी वेरी डुएबल, रिकमेंड किया जा सकता है, प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, पीपल इतने तो सेंसिबल होते ही है. ठीक है, थ्री, एक्चुअली 3 4 5 ऑल फॉल इन द सेम ब्रैकेट ऑफ हॉरिबल हॉरिबल अल्टरनेटिव्स. लोगों को बोलो भाई कम खाना खा, भाई सेहत के लिए अच्छा है तेरे, ठूस मत. अरे भाई साहब कितनी गलत बात है, इनका एथोस क्या है? नो ह्यूमन शुड बी हंग्री. और 3 4 5 क्या बोल रहे हैं? ओ भाई कम खाओ कम खाओ, इतना ठूसने की जरूरत नहीं है. वेरी 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 हॉरिबल. राशन द अमाउंट ऑफ फूड, राशन मतलब लिमिट करना. ओके, इम्पोज अ पर्टिकुलर अपर लिमिट कि तुम इतना ही ले जा सकते. लाइक यू विल गेट ओनली 2 चपाती 1 बाउल ऑफ राइस, एंड ऑफ स्टोरी. इससे ज्यादा तीसरी चपाती मांगना नहीं. दिस इज अगेन वेरी बैड. व्हाट इफ समबडी कम्स एंड जेन्युइनली रिक्वायर सम एक्स्ट्रा फूड, मे बी बिकॉज ही और शी इज हंग्री दैट डे. तो 3 4 5 एक्सट्रीमली हॉरिबल, 1 प्रैक्टिकली यूजलेस, बट उससे भी बड़े गंदे हैं 3 4 5 विच आर डाउन राइट अनएथिकल. और क्वेश्चन क्या पूछता है? विच ऑफ द अबव आइडियाज विल नॉट बी कंसिस्टेंट द कोर एथोस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अमेजिंग, सर्व टू अस ऑन अ सिल्वर प्लेटर. 3 4 एंड 5, ऑप्शन बी विंस द गेम. चिंता की बात ही नहीं, ठीक है. और 2 कितना रीजनेबल है, तो ऑप्शन ए डी एंड ई यू कैन ऑल्सो थ्रो आउट इमीडिएटली. तो वंस अगेन वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स टैकलिंग इट. स्टिल नंदलेस एनी डाउट्स ड्रॉप देम इन द कॉमेंट सेक्शन, विल हेल्प आउट एएसईपी. ओके चलो आगे चलते हैं. If you have still had not hit that like button, please, please, please do it ASAP. And now let's go solve the last question. Niyamuddin wanted to conserve local recipes that can be used to prepare mouth-spanking dishes for the diners. ठीक है, लोगों को खाना तो खिला रहे हैं क्या, बट इनका थोड़ा सा और भी नेक काम करने का इरादा दिखता है कि चलो यार जो भी लोकल फूड डिशेस है इनको प्रिजर्व करते हैं, सो डैट बदलते समय के साथ ये खत्म ना हो जाए, लोग भूल ना जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द बेस्ट वे टू कंजर्व लोकल रेसिपी. ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, नियामुद्दीन इज रनिंग अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फीड द पीपल.
ये जो कंजर्व लोकल रेसिपीज वाला थिंग है, दिस इज समथिंग सरप्लस। ओके, ऐसी चीज के ऊपर में हम स्पेशल पैसा डालकर ये शौक पूरे नहीं कर सकते। ऑलरेडी जो फंड्स है, ऑलरेडी जो ऑपरेशन है उस सेंटर के, दे आर रनिंग वेरी कट टू कट। ओके, जितना आ रहा है उतना निकल जा रहा है। तो नियाबुद्दीन ऑफकोर्स वॉन्ट हैव अ लॉट ऑफ सरप्लस मनी टू स्पेंड ऑन इनिशिएटिव लाइक चलो लोकल रेसिपीज कंजर्व वगैरह करते हैं। तो उसे जो भी करना होगा कहीं ना कहीं लोगों से रिक्वेस्ट करके, फ्री में वॉलंटियर्स जमा करके, लाइक यू नो अनपेड सोशल वर्क टाइप सिचुएशन। ओके, तो लेट्स इवैल्यूएट द ऑप्शन, कौन से तरीकों से हम ये सबसे अच्छे से कर सकते हैं। तो सी एंड डी गेट किक्ड आउट वेरी इजीली, क्योंकि यहाँ पे क्या बात की है, फूड डिलीवरी पार्टनर मतलब स्विगी जोमैटो जैसी बंदे को। ओके, स्विगी या जोमैटो के साथ में टाई अप करो टू हेल्प डॉक्यूमेंट द रेसिपी। बिल्कुल नहीं, स्विगी जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी वालों का क्या एक्सपर्टीज है डिलीवरिंग द फूड डिशेस टू पर्टिकुलर प्लेसेस। उनका स्पेशलिटी, उनका फोर्टे ये बात में नहीं है कि भैया डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। अच्छा ये रेसिपी, हाँ, 4 कटोरी चावल, 5 कटोरी दाल, 2 कटोरी नमक, ऐसा ये काम नहीं है इनका। सेम गोज विद डी, यहाँ पे बोला है शेफ ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट। वेरी वेरी लाइकली दैट दिस गाय विल बी इंटरेस्टेड ओनली इन कमर्शियल वेंचर्स ना, तभी तो जाके वो इतनी पॉश अच्छी जगह पे काम कर रहा है। एंड डी इज आस्किंग यार, इस बंदे को बोलेंगे यार प्लीज आ जा और हेल्प कर डॉक्यूमेंट करने में रेसिपी। डूड माइट इवन शो अप, बट कितने बार, एक बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, उससे ज्यादा थोड़ी कोई आएगा ना। ठीक है, इज दिस समथिंग विच विल बी डन इन जस्ट वन और टू सिटिंग्स? नॉट क्वाइट लाइक। तो सी एंड डी गेट शोन द डोर वेरी इजिली। ई अगेन वेरी वेरी हॉरिबल। क्या बोला है यहाँ पे, जो फ्री डाइनर्स है मतलब जिन लोगों के पास में खुद के खाने के ऊपर खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, उन लोगों को क्या बोल रहे हैं, चलो पैसे निकालो एक एक रेसिपी की तरफ कंट्रीब्यूट करो। और उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया पकड़ा रहे हो कि चल डॉक्यूमेंट भी कर इस रेसिपी को। यार दैट गाय इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड फूड फॉर 2 टाइम्स, मील फॉर 2 टाइम्स पर डे। उस इंसान को ऐसे काम करने बोलोगे वो शक्ल ना दिखाए फिर से तुम्हारे सेंटर पे। तो वंस अगेन सी डी ई गेट शोन द डोर वेरी वेरी इजीली। रीजनेबल ऑप्शंस के अंदर दिखते हैं ए और बी, बिकॉज इन बोथ द केसेस यू आर आस्किंग पीपल एज वॉलंटियर्स टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प यू डू दैट जॉब। तो अभी डिसाइड कैसे करें ए और बी में से, तो द जॉब इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन बी यू आर रिक्वेस्टिंग जस्ट 1% टू हेल्प आउट इन अ पर्टिकुलर थिंग। यार प्लीज मैम आप आ जाओ हमारे सेंटर के ऊपर में, टू सो एंड सो थिंग। द लेडी मे डू दैट, द लेडी माइट बी वेरी इवन ईगर टू डू द जॉब, कर भी सकती है। बट आप उसके कंपैरिजन में देखो, ऑप्शन ए जो है आपने एक प्रकार से क्राउड फंड, क्राउड सोर्स कर दिया उस चीज। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग इन ओनली वन ईगर पर्सन, यू हैव नाउ डेमोक्रेटाइज द प्रोसीजर और उसको थोड़ा सा गेमीफाई भी कर दिया एक्सपीरियंस को। भाई साहब हाउ एम आई टॉकिंग, एम आई अ बैंगलोर टेक ब्रो और व्हाट, कहाँ से सीख लिया मैंने जारगन? कमिंग बैक, होल्ड अ वीकली कॉम्पिटिशन, गेमीफाई करो भाई। ये नियाबुद्दीन बंदा तो बड़ा स्मार्ट दिख रहा है, बैंगलोर का इंपोर्ट दिखता है। तो बेस्ट लोकल डिश के लिए होल्ड अ वीकली कॉम्पिटिशन एंड गेट इट जज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड बाय लोकल वॉलंटियर्स प्लूरल। तो इन सेंटेंस ए, इन ऑप्शन ए, यू आर रिलाइंग ऑन अ लॉट ऑफ जनता रादर देन ऑन जस्ट वन पर्टिकुलर लीड। तो फिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन ए विंस द गेम। बी अच्छा है, बी में कोई दाग नहीं, इट इज जस्ट दैट ए ऑप्शन से। ठीक है, चलो विद दैट दिस सेट इज डन। इट हैड ओनली 3 questions टू इट। लेट मी नो योर स्कोर्स इन द कॉमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द कॉन्टेंट प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो, इट विल हेल्प मी फिगर आउट कि अच्छा ठीक है डीएम का और कॉन्टेंट डालना है या नहीं डालना है। लेट मी नो योर थॉट्स, हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।